हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रियल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों एक नया ब्लॉग आता हुआ, और आप देख सकते हैं जो कोच वाशिंग प्लांट भागलपुर रेलवे स्टेशन जा रहा है, उसके सारे ये जो ब्रशेस वगैरह उनका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी आप ये देख रहे थे लोकोमोटिव WDS-6R जो जनरली कोचिंग डिपो से ट्रेन को लेकर वापस प्लेटफॉर्म में प्लेस करता है, वो अभी इसके बीच में खड़ा था। तो अभी वापस वो जाता हुआ यार्ड की तरफ ट्रेन को लाने के लिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको बनाया गया। ज़मीन को पूरा पहले ढाला गया, सीमेंटेड किया गया है, ब्लॉक लिया गया था यहाँ पे एक दो दिन का जब इसको बनाया जा रहा था, पर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो अच्छी क्वालिटी की नहीं की है, इसलिए देख सकते हो कि अभी से ये टूटना शुरू हो गया है। जब इनॉग्रेशन तक अभी ये सिचुएशन नहीं पहुँची और उसके पहले ये हालत हो गई, तो फ्यूचर में क्या होगा भगवान भरोसे है। बाकी ये जो आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 ब्रशेज इंस्टॉल हो गए हैं, और अभी भी इस साइड में 2 और इस साइड में 2 ब्रशेज इंस्टॉल करना बाकी हैं। बाकी इस साइड की मैं अगर बात करूं तो ये जो ट्रैक आप जो देख रहे हो ये थोड़ा स्लाइड होके भिकनपुर तक जाता है। पहले बहुत सालों पहले रारी घाट तक जो जाता था लाइन, और फिर आगे उस पार मतलब गंगा के उस पार थानाबीपुर से ये कनेक्टेड था, इसलिए आज भी थानाबीपुर को जंक्शन कहा जाता है। उसके पीछे ये रीज़न है, ये घाट तक जाता था बरारी घाट तक, फिर वहाँ से रेलवे का जहाज़ होता था वो लेके उस पार जाता था, और उस पार वहाँ से थानाबीपुर से फिर ट्रेन में वो लोड होता था सामान और फिर फर्दर मूव कर जाता था। तो इस तरफ भी आप देख सकते हो यहाँ पे आगे टंकी वगैरह का काम चल रहा है, और ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने के करीब है वो, तो वो भी काम पूरा हो जाएगा। ये भी काम मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं समय, मुश्किल से 2-3 महीने के अंदर इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, और उसके बाद भागलपुर के जो गाड़ी की क्वालिटी है ना साफ़ सफ़ाई की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, स्पेशली बाहर की साफ़ सफ़ाई। इंटरनल साफ़ सफ़ाई के लिए तो अभी भी यार्ड में साफ़ सफ़ाई करने की ज़रूरत है। मैं आपको ब्रश दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल प्लास्टिक मेड ब्रश है, इसकी जो क्वालिटी है। और लीजिए ये जो आया है वर्टिकल ब्रश, इसका नाम है और क्लाइंट है कॉफ मो SSE कैरेज वैगन डिपो भागलपुर के लिए आया हुआ है, और 13/9/2019 का मतलब इसका सेंक्शन हुआ होगा ये, मतलब यहाँ पे बनना, और तब वो क्लाइंट है ये कॉफमो, और ये भागलपुर के कोचिंग डिपो को भेजा गया था। बाकी देख रहे हैं किस प्रकार से इसका इंस्टॉलेशन किया गया है, ऊपर में मोटर लगाया गया है, इधर भी उधर भी मोटर के कारण ही पूरा ये घूमेगा और पूरे कोचेस को साफ करेगा। इसकी जो सबसे अच्छी खासियत होने वाली है कि बहुत कम पानी खर्च होने वाला है इसको साफ़ सफ़ाई करने में, पहले बहुत ज़्यादा पानी खर्च हो जाता था, और इस पानी को भी रीयूज़ किया जाएगा। इस तरह से सिस्टम क्रिएट किया गया कि पानी को रीयूज़ किया जाएगा। यहाँ भी मोटर्स लगे हुए हैं, देख सकते हो आप पास से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की जेन्युइन जानकारी जेन्युइन ब्लॉग्स आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन मंगलमय हो। वंदे मातरम।